फ्लाइट कसम से मिस कर दी थी, मिस कर दी थी हमने वो, लेकिन वहाँ पे कोई पता उसने कोई फैन निकला है, सीटें हमें दे दी मरमरा के। और भाई ये चेक करो मैकलैरन, क्या लेवल की मैकलैरन खड़ी हुई है, कैसी है मेरी फ्यूचर ड्रीम कार। और यार हमारे पास टाइम जरा भी नहीं है, ठीक है। पहली फ्लाइट हमारी बहुत लेट हो रही है, कल वाली वीडियो से तुम लोगों को बताऊंगा कि हमारी जो है पैकिंग चेकिंग डन हो गई थी और हम जा रहे हैं तुर्की। वेलकम बैक हो गया तुम सब अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डकी भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, बहुत ज्यादा लेट हो रही है। फ्लाइट हमारी पास उड़ने ही वाली है, ठीक है, तो ज्यादा मैं बकवास नहीं कर सकता, एयरपोर्ट मिलता हूँ, एयरपोर्ट में बातें करेंगे, मिलके भाई। अ फ्यू इंचेस लेटर तो बस अभी हम लोग रास्ते में हैं, जा रहे हैं, पैनिक ड्राइविंग कर रहे हैं, साथ भी फुल ऑन फोकस ड्राइविंग कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहा। हमारी 5 बजे की फ्लाइट थी और 1:30 हो गया, हम लोग पता नहीं इतना लेट निकले हैं भाई। भाई हमें कुछ पता नहीं कि हमारी फ्लाइट हम लोग पकड़ सकेंगे कि नहीं, ठीक है, उधर एयरपोर्ट पहुंच के मिलते हैं। मुझे पता है कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं। A few moments later. भाई अल्लाह की कसम, अल्लाह की अरुण इनको बताओ, फ्लाइट कसम से मिस कर दी थी, मिस कर दी थी हमने वो, लेकिन वहाँ पे कोई पहचानने वाला था तो उसने कोई फैन निकला है, उसने हमें जो है ना उसने जो है हमें सीटें हमें दे दी मरमरा के। क्या बात है, हमारी जो है कनेक्टिंग फ्लाइट है, पहले हमने यहाँ से लाहौर से जाना है कतर, फिर कतर से जाना है हमने तुर्की। अभी जो है हमारा कतर एयरपोर्ट पे भी स्टे है। तुम कतर एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम देख रही हो ना, बड़ा बहुत लेवल का है भाई। तो ये हमारी सीट हमें मिल चुकी है, एक्स्ट्रा लेग रूम वाली। बाकी अब जो है ना हम लोग सीधा कतर में मिलते हैं, कतर में हमारा है कोई 4-5 घंटे का स्टे है, फिर वहाँ से चलेंगे तुर्की। तो मैंने जो है ना एक बैग यहीं पे रख लिया है, हमारा जो है ना है फुट रेस्ट बन जाएगा, ठीक है, बजट में बिजनेस क्लास। तो हम लोग जो है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर लैंड हो चुके हैं, ठीक है। एयरपोर्ट तो बहुत प्यारा है, एयरपोर्ट का नाम हमाद है। हाँ, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ा प्यारा एयरपोर्ट है। मैं तो कहता हूँ तुर्की शुर्की जाना रहे तो यहाँ पे बड़ा शुगर मिला है भाई, बहुत प्यारा एयरपोर्ट है। 2 घंटे का स्टे है हमारा, चुपचाप जो है शुगर मिला लगाओ यहाँ पे। तो वही कोई अच्छा सा लाउंज ढूंढ के जो है ना थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि फिर कुत्ते वाली हो जानी है, फिर दिन जाया हो जाएगा अगर हम जो है ना थके थके तुर्की लैंड हुए। तो अभी जो है ना हमें जगह मिली है बड़ी लेवल की, बंदा जो है ना सो सू सकता है। अभी थोड़ा सा आराम वगैरह कर लेते हैं, फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ भाई। मैं तो टांगे सीधी करके जो है ना सेट वेट हुआ हूँ, सुबह का टाइम है ना, तो बिल्कुल हमारी जो है ना रूटीन सोने वाली हो गई है, तो अपनी जो है ना यहाँ पे आराम रूम कर लेते हैं, फिर सीधा फ्लाइट पकड़ लेंगे दोहा से तुर्की की। 2 hours later तो हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया, ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लिया है, सो के जो है ना थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं। और भाई ये चेक करो मैकलैरन, क्या लेवल की मैकलैरन खड़ी हुई है, कैसी है मेरी फ्यूचर ड्रीम कार। नहीं मैंने बुकिंग करवाई, उन्होंने कहा कि यार डकी भाई कतर एयरपोर्ट आता रहता है तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे सजा के रख देते हैं, जब उसने कतर एंट्री करनी होगी तो ये जो है ना बाहर मिलेंगे रोड पे निकाल देंगे। चल झूठा, क्या बात है भाई, कलर देखो मैकलैरन, सारा टाइम तो सोने पे लगा दिया, कतर एयरपोर्ट देखा ही नहीं, इतना लेवल का था। वापसी भी हमारी यही वाली कतर वाली फ्लाइट है, तो वापसी भी देखेंगे एयरपोर्ट सुकून से भाई। तो अभी जो है हमें चढ़ना है इस बस के ऊपर जो हमें जहाज तक छोड़ जाएगी। अरे भाई वीडियो शीडियो बाद में बना लेना रूप। हम लोग जा रहे हैं बस पे, हमें जो है ना जहाज की तरफ लेके जाएगी, फिर उसके बाद जो है हमारी कुछ 4 घंटे की जो है ना फ्लाइट है, 4 घंटे बाद जो है हम लोग तुर्की लैंड होंगे। हमारा जो है जहाज आ चुका है भाई, इंजन इसका घर जितना होता है अंदाजन, इंजन ऐसा लग रहा है जैसे घर है, कमरा मारा है, ओए ओए ओए, कमरा मारा इसे छोटा है भाई। अब देना मैं इंजन के साथ कराऊंगा, देखना। Oh my God, it's huge. और ये तुम लोग एक बार जहाज जो है क्लोज अप से भी देख सकते हो। हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। ये हमारी सीट है, ठीक है, बैठ जाओ, दो बैग दो मैं रखता हूँ। तो अभी जो है हमारी वैसे ये वाली सीट्स हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है ना ये तुम लोग देख सकते हो खाली जहाज है, यहाँ पे कहीं पे भी सो सकते हैं। रूबी देखो, मैं तुम्हें बड़े मजे की चीज दिखाता हूँ, ये देखो ये तुम्हारी खिड़की है ना, ये ऑरेंज बंद नहीं होगी, ऑरेंज ऑरेंज लग रही है ना अभी, अब देखना इस बटन को दबाओ, ओह माय गॉड, रोशनी आना बंद होगी ना अब, ये देखो ये तो पूरा ही काला हो गया, इसको वापस ऑरेंज करते हैं, अब देखना ये वापस ऑरेंज हो जाएगा, देखना ब्राइट हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, स्लोली स्लोली हो रहा है, लेकिन हो रहा है, देखो 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बैठा करता था, अब मुझे दरमियान में जो है इधर बच्चों की तरह जलील होना पड़ता है। अच्छा भाई मैं तो इससे इम्प्रेस हो गया, देखो व्हाइट है वो ब्लू है, कैसा फिर भाई, नई टेक्नोलॉजी आ गई है जहाज के अंदर।
थर्ड लेवल का जो है ना बिजनेस क्लास बिस्तर बन गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, टांगे सीधी करके तीन तीन सीटें मल के जो है ना अब चार घंटे सो जाते हैं, फिर मैं तुम लोगों को मिलता हूँ सीधा तुर्की में। फाइनली हम लोग लैंड हो गए हैं तुर्की इस्तांबुल, सोइयो प्रॉपर है, नींद लेवल की पूरी कर ली भाई। अभी बाहर जाके जो है ना बैगेज वगैरह कलेक्ट करते हैं, तुम लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना तुर्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ। हम लोग जो है इस्तांबुल पहुंच चुके हैं, वेलकम टू इस्तांबुल। अभी जो है हम लोग इमिग्रेशन वगैरह करनी है, टाइम शाइम लग सकता है, वीडियो बाद में बना लेना रूब, बाद में बना लेना वीडियो, पूरा एयरपोर्ट पर हुआ वीडियो बनाने के लिए भाई, 10 दिन पड़े हैं वीडियो बनाने के लिए। पूछा मैंने कुछ, मैं तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी सैर करवाता जाऊंगा इस्तांबुल एयरपोर्ट की। यहाँ पे जो है पासपोर्ट कंट्रोल वगैरह है, अभी इमिग्रेशन करवाते हैं, फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। सिमशिम भी पकड़नी है भाई, तुम भी घूम जाती हो बच्चों की तरह हर जगह, छोटी बच्ची हो क्या। इमिग्रेशन क्लियर हो गई है, ठीक है, अभी जो है ये बेल्टें चल रही हैं, इन्हीं में है जो है ना हमारा बैग होगा। कौन सा है, ये वाला है? नहीं ये तो नहीं है, ये तो मैला हुआ है, हमने तो नया लिया, हमें ख्याल से ये है। ये लो रूम, और ये आ गया जी मेरा बैग। तो बैग शैग हमारी रेडी हो गई है, अब टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी यार, घंटा दूर है होटल यहाँ से, टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी भाई। A few moments later. तो हमारी वैन आ चुकी है जो हमें होटल छोड़ के आएगी, ये हमें रूम होटल छोड़ के आ रही है, हमें अगवा करने आई है भाई, अगवा करने लगे हैं सानू, अगवा करने लगे हैं। चुप कर बे कुत्ते, होटल चलते हैं भाई, 40 मिनट का रास्ता है भाई। ओए बड़ी लग्जरी है भाई, क्या वैन है भाई, नाइस टू मीट यू, सी यू टुमारो, टेक केयर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमें लग्जरी वैन में बैठा दिया यार, है रूम ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और तुम सेक्रेटरी मेरी। और बाकी बाहर जो है मौसम बहुत चिकना हुआ हुआ है, बड़ा लेवल का माहौल है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू? माँ खराब हो जाएगा मैं, माँ ब्रदर, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम, निकल गोली करा दी यार, उसको तो इंग्लिश ही नहीं बोलने आती है, रूम में सलाम दे रहा हूँ, उसको सलाम का जवाब नहीं देना आ रहा, तो सलाम का जवाब ही तुम्हारे मुंह ही लेना चाह रहा। तो यार फाइनली हम लोग होटल अपने पहुंच चुके हैं, अभी सामान फोन वगैरह निकालते हैं, चेक इन वेक इन करते हैं, मैं तुम लोगों को रूम भी दिखाता हूं। ओए होए होए होए, रूम बहुत लेवल का रूम है भाई, क्या बात है भाई। भाई रूम का टूर मैं तुम लोगों को करवा देता हूं, बड़ा लेवल का व्यू। कैसा है व्यू? ओए होए होए होए, व्यू भी बड़ा जबरदस्त है भाई, सिटी का व्यू है, आए 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 आए, इंस्पिरेशन ले दे यहां से यार, हैं कोई तीन चार कमरे रेडी करवाते इस तरह के। क्या हुआ? शॉवर नहीं है। अल्लाह की कसम, नहीं नहीं अरूप, ये मैं लास्ट टाइम भी जब तुर्की आया था तो मेरे साथ भी यही हुआ था, ये शॉवर इनका नहीं होता, इनका ये होता है, ये देखना, ये मैं खोलूंगा ना, मतलब बैठ के साइड से टूटी खोलनी पड़ेगी, फिर जाके जो है ना काम हो पाएगा आपका। हाँ तो यार तुर्की हम लोग लैंड हो गए हैं, अभी सामान वगैरह रखते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर जो है ना बाहर निकलेंगे, शुगर मेला लगाएंगे। तुर्की में है हम लोग 10 दिन, बड़ा लंबा ट्रिप है हमारा भाई, तो प्रॉपर शुगर मेला जो है ना वो लगेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं कल। ओ काफ़र।